Hello, hello children. Welcome to online class. Hope you all are fine. Now today we are going to learn class 6 subject English grammar, lesson 12. The name of the lesson is verbs, modals and auxiliaries. The name of the lesson is verbs, modals and auxiliaries. So children, first we will try to understand about the verb. Means what is verb? Verb describe the action or state of the subject. Verb describes the action or state of the subject. Means जो verb होती है, verb means क्रिया, वो describe करती है, वो बताती है subject, कर्ता के काम करने वाला जो होता है, जो sentence में subject होता है, उसके action, action means उसके कामों को, एंड स्टेट, स्टेट मीन्स उसकी स्थिति या अवस्था को, स्टेट मीन्स उसकी स्थिति या अवस्था को. मीन्स जो वर्ब होती है वो हमें बताती है सब्जेक्ट के काम कार्यों के बारे में या उसकी स्थिति या अवस्था के बारे में. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड थ्रू दिस कंसेप्ट. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड थ्रू दिस एग्जाम्पल्स. फर्स्ट एग्जाम्पल इज Ayans is playing. Ayans is playing means Ayans खेल रहा है. Playing means खेल. Okay. तो Ayans is playing means Ayans खेल रहा है. यहाँ पे जो playing है ये describe कर रहा है subject के action को. Subject के action को. But now we will try to understand about the state. What means state? State means क्या होता है? अवस्था means क्या होता है? Come to the next example. Ayans is 8 months old. State स्थिति और अवस्था में जो उसके टाइम को बताए कि किस टाइम पे क्या हुआ, प्रेजेंट में कोई काम हुआ, पास्ट में कोई काम हुआ या फ्यूचर में कोई काम होगा, ठीक है ना. तो Ayans is 8 months old. Ayans is 8 months old. ये जो सेंटेंस है हमारा प्रेजेंट है क्योंकि यहाँ पे क्या है, इज आया, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे क्या है, इज. तो Ayans is 8 months old means Ayans 8 महीने का है. तो ये डिस्क्राइब कर रहा है प्रेजेंट टाइम को, ये स्थिति बता रहा है उसकी प्रेजेंट टाइम की. सेकेंड एग्जाम्पल इज Ayans was 8 months old. Ayans was का यूज हम कहाँ करते हैं, पास्ट टेंस में. Ayans was 8 months old. Was means यूज करते हैं पास्ट मीन्स Ayans जो है वो 8 महीने का था, 8 महीने का था पास्ट में. Next, Ayans will be 8 months old. Ayans will be का यूज होता है फ्यूचर के लिए, मीन्स आने वाले समय के लिए हम will be का यूज करते हैं. That means Ayans will be 8 months old. Ayans 8 महीने का, 8 महीने का होगा. कौन से टेंस में होगा, फ्यूचर. तो ये हमारी क्या है, ये जो होता है ये होती है स्टेट, ये जो होती है ये होती है स्टेट. और यहाँ पे जैसे प्लेइंग है तो ये हो गया एक्शन. तो जो वर्ब होती है वो दोनों को ही डिस्क्राइब करती है, एक्शन एज वेल एज स्टेट. सो चिल्ड्रन, नाउ वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट द टाइप्स ऑफ वर्ब. सो चिल्ड्रन, नाउ वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट टाइप्स ऑफ वर्ब. टाइप्स ऑफ वर्ब्स मीन्स वर्ब के प्रकार. देयर आर टू टाइप्स ऑफ वर्ब, मेन वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब. मेन वर्ब, मेन वर्ब डिस्क्राइब्स द एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट. वर्ब के जो है वो टू टाइप्स होते हैं. एक होता है मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया जो डिस्क्राइब्स करती है सब्जेक्ट के एक्शन को, एक्शन मीन्स काम को. जो सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है उसके काम को डिस्क्राइब करती है वो होती है हमारी मेन वर्ब. एग्जाम्पल डांस, सिंग, मिस, थिंक, राइट एक्सेट्रा, ठीक है ना. जैसे डांस, सिंग, मिस याद करना, तो ये भी एक क्या है, हमारी वर्ब है, क्रिया है. मिस करना यानी उस समय भी हमारा जो माइंड है वो भी क्या कर रहा है, काम कर रहा है. जैसे थिंक, तो ये भी एक वर्ब होती है क्योंकि जब हम कुछ चीज सोच रहे हैं तो हमारा जो माइंड है वो उस टाइम भी क्या कर रहा है, काम कर रहा है. राइट एक्सेट्रा, तो ये होती है मेन वर्ब, ठीक है ना. डांस, सिंग, मिस, थिंक, राइट एक्सेट्रा, ये सारी जिसमें हम कुछ काम को करते हैं, जिसमें हम कुछ क्रिया को कर रहे हैं वो होती है मेन वर्ब. सेकेंड टाइप इज हेल्पिंग वर्ब एंड ऑक्सिलरी वर्ब. इसको बोला जाता है हेल्पिंग वर्ब भी कह सकते हैं, इसको ही ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं. जो सेकेंड टाइप होता है उसको हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, उसी को हम ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं. ये क्या काम करती है,
Helping verb describe the state of the subject. Helping verb describe the state of the subject. जो helping verb होती है वो sentence में subject के state को क्या करती है, स्थिति को क्या करती है, describe करती है, means time को बताती है. Present, past and future. Present, past and future. Example, Anjali is playing guitar. यहाँ पे देखिए आपके पास sentence है Anjali is playing guitar. तो यहाँ पे जो हमारा playing है ये हमारी हो गई main verb. Okay? ये जो playing है ये हमारी हो गई main verb. और is इसमें क्योंकि present को show कर रहा है तो is हमारी हो गई helping verb. इससे हमें पता चला है कि ये present tense में है तो is हमारी हो गई helping verb या auxiliary verb इसको हम कह सकते हैं. Second, I was listening to music. तो listening हमारा listen में सुनना, तो ये हो गया हमारा main verb. Was यहाँ पे जो tense था क्योंकि यहाँ पे is था, is present tense में है. और was हम किस में यूज करते हैं, पास्ट. मीन्स इससे हमें ये पता चल रहा है कि ये जो सेंटेंस है ये पास्ट टेंस का है क्योंकि यहाँ पे किसका यूज हुआ है, was का यूज हुआ. आई वॉज लिसनिंग टू म्यूजिक, मीन्स मैं म्यूजिक सुन रहा था. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज ही विल बिकम अ डॉक्टर. ही विल बिकम अ डॉक्टर. विल का यूज होता है क्योंकि जो हेल्पिंग वर्ब होती है स्टेट को बताती है, स्थिति को बताती है, अवस्था को. तो ये फ्यूचर की बात कर रहे हैं. ही विल बिकम अ डॉक्टर, वो एक डॉक्टर बनेगा. तो विल हमारा किस में यूज होता है, फ्यूचर टेंस में. तो इस टाइप से जो है हेल्पिंग वर्ब को ही हम क्या कहते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं. हेल्पिंग वर्ब को ही क्या कहा जाता है, ऑक्सिलरी वर्ब कहा जाता है. जो ऑक्सिलरीज वर्ब है उसके भी टू टाइप्स होते हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरीज एंड मॉडल ऑक्सिलरीज. सो नाउ वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट द प्राइमरी ऑक्सिलरीज एंड मॉडल्स ऑक्सिलरीज. सो चिल्ड्रन, देयर आर टू टाइप ऑफ ऑक्सिलरीज वर्ब, प्राइमरी ऑक्सिलरीज एंड मॉडल ऑक्सिलरीज. जो ऑक्सिलरीज जो वर्ब होती हैं जिनको हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, इसके टू टाइप्स होते हैं. एक होता है प्राइमरी ऑक्सिलरीज एंड सेकेंड वन इज मॉडल्स ऑक्सिलरीज. प्राइमरी ऑक्सिलरीज में देखिए आप क्या क्या होता है, बी डू एंड हैव. इसमें तीन कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया है, बी डू एंड हैव. बी फॉर्म जो होगी उसकी प्रेजेंट टेंस में भी होगी, पास्ट टेंस में भी होगी. डू की भी प्रेजेंट टेंस एंड पास्ट टेंस, एंड हैव इन ऑल्सो प्रेजेंट टेंस एंड पास्ट टेंस. तो प्राइमरी वर्ब बी. इज एम आर वर्स वर्ब, इज एम आर वर्स वर्ब. जो हमारी जो बी वर्ब है उसमें हमारी कौन कौन सी वर्ब आती है, इज एम आर प्रेजेंट टेंस में और पास्ट टेंस में आती है वर्स वर्ब. मीन्स अगर वर्स वर्ब होगा तो हमें समझ में आ जाएगा कि बी वर्ब की फॉर्म है और ये पास्ट टेंस के लिए यूज की गई है. और अगर इज एम आर होगा तो हम समझ जाएंगे कि प्रेजेंट टेंस की वर्ब है. ठीक है ना. बी यूज इन द इंफॉर्मेशन ऑफ कंटिन्यूअस टेंस, मीन्स बी का बी जो वर्ब है उसमें इज एम आर वर्स वर्ब आता है और इसका यूज किया जाता है कंटिन्यूअस टेंस में फॉर्मेशन देने के लिए. मीन्स प्रेजेंट कंटिन्यूअस एंड पास्ट कंटिन्यूअस में इसका यूज किया जाता है बी वर्ब का. ठीक है ना, बी प्राइमरी वर्ब का. फॉर एग्जाम्पल सी इज स्विइंग अ ड्रेस, सी इज स्विइंग अ ड्रेस, मीन्स वो एक ड्रेस सिल रही है. आई एम लिविंग टुमारो, आई एम लिविंग टुमारो. तो ये किसके एग्जाम्पल हो गए, हमारे प्रेजेंट टेंस के एग्जाम्पल हो गए. सेम लाइक दिस वी आर टू लीव नेक्स्ट वीक, ये भी किसमें होगा, बी वर्ब, क्योंकि इसमें क्या है, आर आर. नेक्स्ट है हमारे पास डू, नेक्स्ट है हमारे पास डू. डू में हमारी तीन वर्ब आती है, डू डस इन प्रेजेंट टेंस एंड डिड इन पास्ट टेंस. डू डस मीन्स अगर सेंटेंस में डू डस होगा तो दैट मीन्स प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है. ठीक है ना. और डिड होगा तो वो किसका सेंटेंस है, पास्ट टेंस का सेंटेंस है. तो डू का यूज कहाँ होता है, यूज टू फॉर्म द नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव ऑफ द सिंपल प्रेजेंट एंड द सिंपल पास्ट. मीन्स अगर हमें सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट का इंटरोगेटिव, ठीक है ना, क्वेश्चन जो हमारे प्रश्न वाले सेंटेंस होते हैं और नेगेटिव जो नेगेटिव वाले नॉट वाले जो सेंटेंस होते हैं वो हमें बनाना है, तो हम डू डस और डिड का क्या करते हैं, यूज करते हैं. सेकेंड इस रूल इसका ये है कि इन द इम्परेटिव फॉर्म इट मेक्स द स्टेटमेंट मोर फोर्सफुल. मीन्स अगर कहीं इम्परेटिव सेंटेंस है, इम्परेटिव मीन्स आदेश वाले, आज्ञा वाले, जो कमांड वाले जो सेंटेंस होते हैं वहां पे अगर डू आया है तो वहां पे इसका ज्यादा फोर्स दिखाने के लिए उसका क्या किया जाता है, यूज किया जाता है. लास्ट जो प्राइमरी वर्ब है वो है हमारी वर्ब. वर्ब में भी हमारे पास तीन है, में भी हमारे पास तीन वर्ब आती है, हैज हैव इन प्रेजेंट टेंस एंड हैड इन पास्ट टेंस. अगर प्रेजेंट टेंस में है तो हैज हैव आएगा, हैज आएगा सिंगुलर नाउन के साथ, हैव आएगा प्लूरल के साथ.
एंड हैड इज पास्ट टेंस एंड बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल. तो हैव का यूज कैसे होता है? Used with the infinitive to indicate some kinds of obligation and used to form the perfect tense को बनाने के लिए. Present perfect हो या past perfect हो, दोनों में have verb का use किया जाता है. Have में हमारी आती है has, have and had. ठीक है ना? तो ये primary verb है, present tense and past tense. Next जो है modal auxiliaries. Modal auxiliaries जो होती है वो tan होती है. ठीक है ना बेटा? वो कितनी होती है? टेन होती है. कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, ऑट टू, ये सारी किसमें आती है? मॉडल्स ऑक्सिलरीज में आती है. मॉडल ऑक्सिलरी जो वर्ब होती है इसमें एक ये होता है कि सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस जो आपकी ये मॉडल ऑक्सिलरीज वर्ब ये आएंगे और इनके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है. चाहे आप किसी भी मॉडल वर्ब को लीजिए, कैन लीजिए, कुड लीजिए, मे लीजिए, माइट, लेकिन जहां पे मॉडल ऑक्सिलरीज आएगी उसके बाद हमारी कौन सी वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है. और मॉडल ऑक्सिलरीज वर्ब जो है इसमें कंडीशन होती है, कंडीशन के अकॉर्डिंग ये यूज की जाती है. फॉर एग्जांपल कहीं पे पॉसिबिलिटी शो करनी है या कहीं पे आपको विश दिखाना है या कहीं में आपको प्रॉमिस दिखाना है, एबिलिटी दिखानी है, ठीक है ना, डिटर्मिनेशन दिखाना है, इसके लिए इंटेंशन के लिए इसके लिए इसका यूज किया जाता है. मॉडल्स जो होती है उनका यूज इसके लिए किया जाता है. आपके बुक पे दे रखा है, आप उसमें देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे. सो चिल्ड्रन, आई होप दिस वीडियो हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडल एंड ऑक्सिलरीज. नाउ यू विल ट्राई टू सॉल्व द एक्सरसाइजेस गिवन ऑन योर बुक्स. थैंक यू.